मोदी सरकार पार्ट टू को सत्ता में आए 50 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ये 50 दिन भारतीय शेयर बाजार और निवेशकों पर बहुत भारी पड़े हैं, क्योंकि मोदी सरकार के शपथ लेने के बाद से शेयर बाजार पिछले 2 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। इस दौरान निवेशकों का 10 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया डूब चुका है। आज भी बाजार मंदी की गिरफ्त में ही रहा, जिससे बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 306 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 82 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। बीएसई का सेंसेक्स 4 अंकों की गिरावट लेकर 38,334 अंक पर खुला और यही इसका दिन का उच्च स्तर भी रहा। सेंसेक्स आज दिन भर लाल निशान में ही बना रहा। दोपहर में ही 38,000 के अंक से भी नीचे चला गया। एक समय सेंसेक्स 37,890 अंक तक पहुंच गया। सेंसेक्स का ये दिन का निचला स्तर रहा, बाद में ये थोड़ा संभला और 306 अंक गिरकर 38,031 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की 16 कंपनियां हरे निशान पर और 14 लाल निशान पर बंद हुई। HDFC के शेयरों में सबसे ज्यादा 5.09% की गिरावट रही, जबकि यस बैंक के शेयर में 9.49% बढ़त देखी गई। निफ्टी भी आज दिन भर लाल निशान पर ही रहा। निफ्टी 27 अंकों की गिरावट लेकर 11,393 अंक पर खुला, बाद में इसमें थोड़ा सा सुधार हुआ और ये 11,398 अंक के दिन के उच्च स्तर तक पहुंचा, लेकिन जल्द ही इसमें गिरावट शुरू हो गई और निफ्टी आज 11,301 अंक के निचले स्तर से होते हुए 82 अंक की गिरावट के साथ 11,337 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी में शामिल कंपनियों में से 27 हरे निशान में और 23 लाल निशान में रही। वैश्विक स्तर पर बात करें तो एशियाई बाजार लाल निशान में ही रहे, जबकि यूरोपीय बाजार हरे निशान में। चीन का शंघाई कंपोजिट 1.27%, हांगकांग का हैंगसेंग 1.37%, जापान का निक्की 0.23% और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.05% की गिरावट में रहा। ब्रिटेन का FTSE 0.39% और जर्मनी का डेक्स 0.23% की बढ़त में रहा। DB लाइव की रिपोर्ट।